morning, student. In this class, I am going to discuss the remaining part of the pronoun. आज इस क्लास में मैं प्रोनाउन के बचे हुए जो टाइप्स है ना उनके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ. तो मैंने प्रोनाउन के बारे में बताया था आपको, प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन के कुछ टाइप्स भी क्लियर करा दिए थे, जिसमें पहला टाइप आया था आपका पर्सनल प्रोनाउन दिया जाता है ना, तो वो सब बता दिया है ना आपको पहले से. तो अंडरलाइन द पर्सनल प्रोनाउन इन दिस पैसेज. अब ये पैसेज दिया हुआ है बच्चों, ये पैसेज है. अब आपको करना क्या है, बताया जा रहा है कि इसमें क्या है कि सर्किल करना है, अंडरलाइन करनी है. किस पे करनी है, जो पर्सनल प्रोनाउन होगा, जो भी प्रोनाउन पर्सनल हो उस पे आपको अंडरलाइन कर देनी. आप कर सकते हैं इस पे आराम से, है ना, क्योंकि आपको पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पहले बता चुके हैं. ठीक है, तो इसे सेल्फ करेंगे. ओके, नेक्स्ट. हाँ, अब दीदी इसमें क्या करना है बच्चों, रीराइट दी सेंटेंस यूजिंग पजेसिव प्रोनाउन. पजेसिव प्रोनाउन का यूज करना, जैसे आई डोंट लाइक दिस बैग, मुझे यह बैग पसंद नहीं है. एज मच आई लाइक, अब यहाँ हर बैग की जगह पे क्या हो जाएगा, हर बैग की बात करें तो हर बैग यहाँ क्या है, हर तो यहाँ हो गया पजेसिव एडजेक्टिव, बैग हो गया नाउन. जो जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन से पहले आता है, तो हर यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव है. अब इस हर बैग का हमें बनाना क्या है, पजेसिव प्रोनाउन. तो पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा इसका हर्ष, क्या हो जाएगा, हर्ष. और सेकंड देखो, एवरीवन हैज प्रॉब्लम्स, प्रत्येक के पास समस्याएं होती हैं. व्हाट इज देयर प्रॉब्लम, अब देयर यहां पे पजेसिव एडजेक्टिव है और प्रॉब्लम यहां पे नाउन है. और तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तो ये करना है कि देयर प्रॉब्लम का पजेसिव प्रोनाउन बनाना है, तो हो जाएगा बेटा देयर्स, क्या हो जाएगा देयर्स. ये क्या देयर्स क्या हुआ, ये पता है आपको पजेसिव प्रोनाउन हुआ ये. करीम हैज एवरीवन्स फोन नंबर्स एक्सेप्ट योर फोन नंबर, है ना, योर फोन नंबर. अब योर है ना यहां पजेसिव एडजेक्टिव है, फोन नंबर यहां पे नाउन है. अब इस सब की जगह पे योर फोन नंबर की जगह पे पजेसिव प्रोनाउन लगाना है, तो हम कर सकते हैं यहां पे योर्स. ऐसे फोर्थ है, योर फोटोग्राफ्स आर सो गुड, आवर फोटोग्राफ्स आर टेरिबल, है ना. तो आवर यहां पजेसिव एडजेक्टिव है, फोटोग्राफ्स यहां पे नाउन है. आवर को फोटोग्राफ को हटाकर पजेसिव प्रोनाउन बनाना है, तो यहां हो जाएगा आवर्स, ये हुआ पजेसिव प्रोनाउन. सुसन इज माय फ्रेंड, अब माय पजेसिव एडजेक्टिव फ्रेंड नाउन दोनों को हटाओ, प्रोनाउन लगाना है तो माय हो जाएगा. ओके, हां बच्चों अब सुनिए, अब बात आती है रिफ्लेक्सिव एंड इंपैसिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव इंपैसिव प्रोनाउन, इंपैसिव प्रोनाउन ये दोनों दिखने में एक जैसे लगते हैं. जैसे मैं अगर बात करूं कि आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, माइसेल्फ होगा, है ना. आई का इंपैसिव प्रोनाउन क्या होगा, माइसेल्फ होगा. वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवरसेल्फ होगा. वी का इंपैसिव क्या होगा, आवरसेल्फ होगा. मतलब सेम होते हैं ये दिखने में. अब समझिए थोड़ा सा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड इंपैसिव प्रोनाउंस हैव आइडेंटिकल फॉर्म्स, है ना. माइसेल्फ, आवरसेल्फ, योरसेल्फ, योरसेल्फ, है ना, योरसेल्फ और योरसेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ एंड देमसेल्फ आर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव एंड इंपैसिव प्रोनाउन. ये जो प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, इंपैसिव भी होते हैं. अब समझना हमको ये है, अब दिमाग में आपके में डाउट बन रहा होगा कि जब दोनों एक जैसे होते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा, हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कब तो रिफ्लेक्सिव हो गया और कब इंपैसिव हो गया. तो वही तो समझाया जा रहा है, व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग एंड द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इज यूज्ड एज द रिसीवर ऑफ द एक्शन इट इज रेफर्ड टू एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. मेरे कहने का मतलब ये है, जब डूअर और रिसीवर दोनों सेम हो तो वहां होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. और जिस जगह जिस प्लेस पर डूअर और रिसीवर सेम ना हो वहां होता है इंपैसिव प्रोनाउन. जैसे देखो गीता सो, गीता ने देखा हरसेल्फ स्वयं इन द मिरर एंड ट्रैप्ड विद जॉय. अब समझना बच्चों,
हर सेम जो होता है रिफ्लेक्सिव भी होता है, हर सेम जो होता है इंप्रेसाइजिंग भी होता है। अब एक क्वेश्चन है कि सेंटेंस में हर सेम आ गया, अब आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि यह रिफ्लेक्सिव है इंप्रेसाइजिंग है। देखो बेटा, एक्शन हुआ देखने का, देखा सॉ देखा है ना, किसने देखा? गीता ने, शीशा में देखा ना, शीशा में मिरर में देखा, देखा किसने? गीता ने। और मिरर में देखा कौन? गीता, वही थी खुद हर्षल। तो यह क्या हो रहा है, देखो डूअर गीता रिसीवर हर्षल, मतलब करने वाली भी गीता है और रिसीव करने वाली भी गीता है। जहां पर डूअर रिसीवर दोनों सेम होते हैं वहां रिफ्लेक्शन प्रोग्राम होता है। डोंट टच दैट इलेक्ट्रिक वायर है ना, यू विल हर्ट योरसेल्फ, उस विद्युतीय तार को मत पकड़िए, मत टच करिए, यू विल हर्ट योरसेल्फ, आपको स्वयं चोट पहुंचेगी है ना, आप अपने आप को चोट पहुंचाओगे है ना, तो चोट पहुंचाने वाले भी आप होंगे और चोट पहुंचेगी वो भी आपको ही पहुंचेगी। तो डूअर रिसीवर सेम हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। ओके, सम कॉमन वर्ब्स दैट यूजुअली टेक फॉर रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट आर, कुछ वर्ब ऐसी होती है वो ऑब्जेक्ट के रूप में केवल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेती हैं, जैसे एक्विट है, एडेप्ट है, अवेल है, एब्सेंट, ब्लेम है ना, कंडक्ट, एंजॉय और प्रेजेंट, ये ऐसी वर्ब हैं ऑब्जेक्ट के रूप में किसी और प्रोनाउन को नहीं लेती हैं, केवल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेती हैं। जैसे देख लो है ना, एग्जांपल आपके सामने है, एडेप्ट है, मैंने अभी बताया, देखो एडेप्ट है, नहीं है एडेप्ट, यहां पे वर्ब है, इसका सब्जेक्ट हो गया, हिमसेल्फ यहाँ पर क्या है ऑब्जेक्ट है, बट क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यही तो बताया जा रहा है। We enjoyed ourselves, enjoy या verb है, we subject है, ourselves क्या है, यहाँ पे object है, है ना, object है और क्या है reflexive pronoun है, तो object के रूप में इस verb ने क्या लिया, reflexive pronoun लिया, एक तो बात सरल होता है। आगे देखो भाई, when a pronoun is used to emphasize a particular noun or pronoun, जब किसी प्रोनाउन का यूज हम किसी पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन को एम्फसाइज करने के लिए किया जाता है, इट इज रेफर्ड टू एज एन एम्फसाइजिंग प्रोनाउन, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एम्फसाइजिंग प्रोनाउन बोलते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन। अब तुम ये कहो सर, हमने कभी कभी तो ऐसा देखा है, आप यहाँ बता रहे हो कि एम्फसाइजिंग प्रोनाउन होता है, हमने तो बहुत सारी बुक्स में एम्फेटिक भी देखा है, तो बेटा emphasizing pronoun और emphatic pronoun कोई अलग नहीं है, दोनों का सेम एक ही है ना, चाहे emphasizing pronoun बोल दो और चाहे emphatic pronoun बोल दो। okay, I closed the door myself, मैंने दरवाजा बंद किया स्वयं, यहाँ पर doer और receiver सेम नहीं है, अलग अलग है ना, action किया किसने, मैंने, किस पे किया, door पे action किया, ये object है, तो object का place ले लिया door ने, myself क्या हो जाएगा, reflexive pronoun नहीं होगा भाई, ये हो जाएगा emphatic pronoun, emphatic pronoun हो जाएगा। This parcel is to be sent today itself, itself क्या है यहाँ पर, emphatic pronoun है, remember समझिए। Since an emphatic pronoun is used for emphasizing a noun, एक noun को emphasize करने के लिए emphatic pronoun का use किया जाता है, it can be removed from a sentence, है ना, इस sentence को हटाया जा सकता है, and the sentence body still makes sense, फिर भी sense, sentence जो है वो sense देता है। अब बेटा इतना आपने समझ लिया, workout देखिए, identify the reflexive and emphatic pronouns in the sentence that in the space provided, अब आपको क्या करना है, देखो themselves, herself, ourself, herself, yourself, अब आपको ये बताना है कि ये जो प्रोनाउन है वो रिफ्लेक्सिव है या एम्फसाइजिंग है, ठीक है ना? अच्छा ये होगा, थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेटिव के बारे में समझ लीजिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन्स, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन्स आर यूज्ड टू पॉइंट आउट पीपल और थिंग्स दे रेफर टू, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो पीपल या थिंग्स की तरफ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज होते हैं, मतलब इशारा करने के लिए किया जाता है, जैसे वो ऐसे प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, दिस दैट दी एंड दो, अगर आपसे पूछा जाता है तो दिस कैसा प्रोनाउन है, आप बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दैट दी एंड दो, ये सभी कैसे होते हैं, डेमो आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, जैसे दैट बुक्स लाइक
सॉरी दैट लुक्स लुक्स है यहां पर दैट लुक्स लाइक द कार माई फादर यूज टू ड्राइव दैट इज द रिंग दैट माई मदर गिफ्टेड मी ऑन माई 1920 रिमेंबर एक बात का ध्यान रखना बच्चा अ डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन Why the demonstrative pronoun is used in place of the noun? अंतर क्या है? सुनिए। अगर मैं that की बात करता हूँ, तो that demonstrative pronoun भी बन जाता है और demonstrative adjective भी बन जाता है। This की बात करूँ मैं, तो this demonstrative pronoun भी बन जाता है और demonstrative adjective भी बन जाता है। आप पहचान कैसे होगी? अगर this, that, these, those अगर किसी noun से ठीक पहले ही जो होते हैं, तो वहाँ इसे हम बोलेंगे demonstrative adjective अगर noun के place पे use होंगे verb का subject बन के आएंगे तो इन्हें बोलेंगे demonstrative pronoun है ना clear हो गया होगा exercise और है आप कर लेना देखो ये है verb का out इसमें आपको क्या लगाना है this के दीजिए क्या suitable रहेगा ये आप अपने से search कर सकते हैं thank you